ये जो भी आपने वेट इधर उधर किया होगा एडजस्ट मोबले पर एडजस्ट होगा, तो ये बेसिकली इसकी बैलेंसिंग है, ये आपको रोज करने की जरूरत है। जो ये ब्रेक्स की बात मैं कर रहा हूँ ना, इतन से तो अगर आप पूरा बाइक इसको पक्का फ्री हो ठीक है, तो आप इसको जैसे मर्जी ऑपरेट कर सकते हैं ठीक है। बस एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना आपको इसको हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर वर्टिकल रखोगे तो लॉक ओपन है ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखूंगा ना, सम टाइम्स आप जब माइक्रोस्कोप वैसे तो चल रहा है लेकिन जब आप इसको पर्टिकुलर पोजीशन में लेके जाओगे ना, जैसे मान लो यहाँ लेके गया लॉक हो गया अपने आप ही, तो आप कहोगे सर्जरी के टाइम पे कि बिल्कुल माइक्रोस्कोप मूव ही नहीं हो रहा इधर ठीक है। तो इसलिए इसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, इसको हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में रखो, तो इट शुड बी 0-0 तो अगर आपको डायप्टर सेट करने हैं तो आप यहाँ पर डायप्टर सेट कर सकते हैं ठीक है, तो इट शुड बी 0-0 ठीक है। उसके अलावा आप फेस टू फेस भी यूज कर सकते हो, आप या एक टाइम में दो चलेंगे, या तो मेन और फेस टू फेस चलेगा या मेन और ये चलेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक नॉब है अच्छा, अगर इस तरफ एरो है तो यानी कि मेन देख रहा है और यहाँ पे फेस टू फेस देख लेगा, अगर मैं इसको एरो को घुमा दूंगा तो मेन देखेगा और यहाँ पे देखेगा ठीक है। ये इसका अंदर मेन चीज है ठीक है, और इसमें ध्यान रखना ये एक तो टिल्टेबल ट्यूब है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो ठीक है। और अगर आपको कुछ एंगुलेशन में समटाइम आप सर्जरी कर रहे होते हो, आपको मतलब आप चाहते हैं कि माइक्रोस्कोप रोटेट ना हो, आपने इसको टिल्ट कर दिया ठीक है, तो पोजीशन वही एडजस्ट रहेगी। ये हल्का सा ये साइड वाला है लेफ्ट वाला, इसको हल्का सा लूज करना है अच्छा घुमाने के लिए। हाँ अब इसको जैसे मैंने हल्का सा अभी ये है, इसको आप टाइट करोगे तो एक पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा, तो अगर आप हल्का सा लूज करोगे तो ऐसे ठीक है। हेलो ये आपका फोकस हो गया, आप इससे करोगे तो एक नीचे कुछ रख दो एक बार कुछ रखो नीचे रखो रखो मैं फोकस करना चाहूंगा, आप रखे रखिए ठीक है, ये आपका फोकस हो जाएगा। इसके अंदर रेंज है 200-500 जो मैं आपको सेंसेरा में बता रहा हूँ ना, जो आपका वेरियस स्कोप है वो इसके अंदर 500 तक है, तो आप मोटराइज्ड फोकस जूम कर सकते हो, और आपको जूम करना है तो आप इसको जूम भी कर सकते हो ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर आप किसी भी पॉइंट पर जूम करना चाहो कर सकते हो, फोकस भी कर सकते हो। इन केस अगर कोई माल फंक्शन होता है, सपोज आप सर्जरी के बीच में है, आप चाहते हैं कि मान लो ये हैंड ग्रिप्स काम नहीं करते, तो ये आपके पास मैनुअल नॉब्स भी है, इससे इससे फोकस होगा, इससे जूम होगा, बड़े वाले से फोकस छोटे वाले से जूम ठीक है। ये आपका स्पॉट साइज इंक्रीज करने के लिए, जैसे ये अगर आपको करना है ये वैसे जैसे आप जूम करोगे ना ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, मतलब अगर आपने जैसे मैक्सिमम जूम किया तो आपका फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है, तो आपको बेसिकली लाइट ज़्यादा चाहिए वहाँ पे तो लाइट वहीं पे फोकस होती है ठीक है। तो ऐसे ही ये पार्ट आपका थोड़ा सा रोटेटेबल, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इतना ही प्ले है थोड़ा सा, इसको आप पूरा कर सकते हैं ठीक है। एक सबसे मेन चीज़ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस ये असिस्टेंट स्कोप है ना, ये ऐसे नहीं मूव होगा, इसको पहले लॉक प्रेस करना है, लॉक फ्री करके आप इसको जहाँ मर्जी रोटेट कर सकते हैं। और ये इसके जॉइंट्स हैं, जो ये रिंग्स है ना ब्लैक कलर की, ये बेसिकली इसके जॉइंट्स हैं। तो अभी एक यहाँ पे है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो मेरे को ये प्रेस करके रखना तब होगा। और ये स्ट्रेट ट्यूब है, ये ऐसे टिल्ट नहीं होगी जैसे ये, तो इसके अंदर आप अपना आईबॉडी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है। तो अभी जैसे तो अभी यहाँ पे देखेंगे, अगर ये एरो यहाँ पे है तो आप इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, वो आप अपने सर्जिकल प्रोसेसर के हिसाब से जो करना चाहते हैं ठीक है। दूसरी चीज, दिस इज फॉर राइट साइड फॉर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, दिस इज फॉर डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी। ये बटन आप अपने अकॉर्डिंगली कॉन्फिगर कर सकते हैं ठीक है। जैसे ये हो गया सर लाइट के लिए हो गया, ये फोकस जूम के लिए हो गया, ये आपका एक्स वाई है, जैसे कि आपने आप किसी पर्टिकुलर में काम कर रहे हो, आपको माइक्रोस्कोप ऐसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है आप सर्जरी प्रोसीजर में होते हो तो आप अपना चाहते नहीं कि एकदम से काम छोड़ के मैं ऊपर करूँ, तो राइट एंड लेफ्ट के लिए आप एक्स वाई कर सकते हो, आपका फोकस और जूम नहीं देगा।
ठीक है, तो आपके पास ये और अगर आप लेफ्ट करोगे तो राइट जाएगा, राइट करोगे तो लेफ्ट, ठीक है। और ये ऊपर नीला होगा, ये बटन ना आपके कॉन्फ़िगर है, आप अपने हिसाब से इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। आपको सर्जरी के बीच में कोई फोटो खींचनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, या आपको फ्लोरोसेंस मोड ऑन करना है, तो ये चार बटन आपके हिसाब से हैं। जैसे कि वो कैसे करना है, जैसे आपका नाम यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्फिग पे गया, स्टैंड पे गया, स्टैंड पे ये आपका फुट स्विच है, सॉरी ये आपका हैंड ग्रिप है, तो हैंड ग्रिप पे मैं इसे कॉन्फिगर दबाऊंगा ना, तो अभी ए बी पे, बी पे ऑटो फोकस है, अच्छा पहले राइट वाला देख रहा हूँ मैं, ठीक है, बी पे आपका ऑटो फोकस है और ए पे आपका फोटो है। ऑटो फोकस मतलब आपको ये एडजस्ट करने की जरूरत है, बटन दबाओगे अपना फोकस, अच्छा, ठीक है। लेफ्ट हैंड ग्रिप पे भी सेम है, तो आप अपने हिसाब से, जैसे मान लो मेरे को लेफ्ट में चेंज करना है, क्योंकि राइट में तो फोटो और ऑटो फोकस था, मेरे को लेफ्ट में चेंज करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, अच्छा ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे मान लो मैंने कोई अगर फ्लोरोसेंस मोड कर दिया, ठीक है, इसके अंदर फ्लोरोसेंस भी है सर, अच्छा। अगर आप ट्यूमर करते हो, आईसीजी करते हो, वेस्कुलर करते हो, तो फ्लोरोसेंस भी है, अच्छा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जैसे सर एक बार हाथ रखें, अभी जैसे ये है, ये खाली फोकस है ना, अच्छा वाइट बैलेंस टाइप का ना, अपने आप अभी इनका हाथ हिल रहा है बेसिकली, लेकिन ये अपने आप फोकस करेगा इस बटन दबाने से, वो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। ये वाला बटन जैसे था मेरी कहते फोटो खींचेगा, फोटो खींचेगी, फोटो, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये वाला बटन करता हूँ तो ये आपके लेफ्ट वाले में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं, राइट वाला फ्लोरोसेंस पे है, बट मेरे को यहाँ पे फ्लोरोसेंस पहले ऑन करना पड़ेगा। आप आई रेटिना यूज करना चाहते हो, येलो करना चाहते हो, अगर मैंने सपोज यहाँ पे येलो किया, ट्यूमर फ्लोरोसेंस के अंदर आपको डाई डालनी पड़ती है, ठीक है, ये मैंने इसको किया तो ये रिकॉर्डिंग हो गया, इसी को प्रेस करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसी से ऑफ हो जाएगी, अगर आपने इसको प्रेस किया ब्लू लाइट आ जाएगी। तो बेसिकली क्या है, जब आप ट्यूमर को आपको देखना होता है, रिसेक्ट करना होता है ट्यूमर को, तो आपने पेशेंट को डाई, सोडियम फ्लोरोसेंट डाई आती है सर 70 से 100 रुपये की आती है, तो जब आप केनोटमी करते हो ना, केनोटमी करते हो, केनोटमी के बाद आप उसे डाई डालते हो, तो ड्यूरा ओपन हो, केनोटमी से ड्यूरा तक आपको 45 मिनट लग जाते हैं तकरीबन, इतने में डाई का असर आ जाता है और 6 घंटे तक रहता है, तो आपको ट्यूमर जो पार्ट है वो येलो कलर में दिखेगा। दिस इज ओनली फॉर न्यूरो ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन में नहीं होगा, सिर्फ ब्रेन ट्यूमर में, ब्लड ब्रेन बैरियर पे काम करता है, तो आपको ट्यूमर येलो में दिखेगा, तो आप देख सकते हो कि कितना ट्यूमर रह गया, उसको रिसेक्ट कर सकते हो, और आप इसको दोबारा दबाओगे तो ये उसमें व्हाइट लाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप काम इसमें कर रहे हो, आपको देखना है कि ट्यूमर कितना रह गया, इसको दोबारा प्रेस किया, ट्यूमर बता देगा, ठीक है। और इसके अलावा सर ग्रीन वाले बता दें जी सर, नीचे ग्रीन वाली ग्रीन बटन से, हाँ ये नीचे वाला ग्रीन बटन से आपका पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप फ्री हो जाएगा, जहाँ मर्जी ले, ठीक है, मैं लेफ्ट लो जैसे मर्जी हो फ्री हो जाएगा। ऊपर वाले इस देखिए, इस माइक्रोस्कोप में 6 एक्सिस है, पहली एक्सिस ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पहली एक्सिस ये जो ये बेस घूमर है ना, ये एक्सिस 1 हो गया, ठीक है, दूसरी एक्सिस इसकी ये देखिए आगे आ रहा, ठीक है, तीसरी एक्सिस ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, 3 हो गई 4 समझ, ठीक है, 5 और ये 6, तो बेसिकली 3 एक्सिस आपकी आगे हैं, 3 एक्सिस पीछे हैं, तो आपने नीचे वाला बटन दबाया तो सारा का सारा माइक्रोस्कोप फ्री हो गया, जहाँ मर्जी लेके जा सकते हो, नॉर्मली ये यूज़ होता है, लेकिन ये वाला बटन इसलिए है कि सपोज आप सर्जरी कर रहे हो, आपको माइक्रोस्कोप चाहते हो कि माइक्रोस्कोप की मूवमेंट ना हिले, ऊपर नीचे हो जाए, तो मैंने इसको प्रेस किया, अब जैसे अभी पीछे आप नहीं कर सकते लॉक है, ये वाला सिर्फ मूवमेंट कर सकते हो, इसके लिए मेरे पास ना ऑप्शन है, आइदर मैं ये वाली पीछे वाली एक्सिस को लॉक कर सकता हूँ, आइदर मैं ये वाली एक्सिस को लॉक कर सकता हूँ, लेकिन आपके इसमें आपकी पीछे वाली एक्सिस लॉक है, तो मैं चाहूँ तो मतलब पीछे वाली को ओपन कर दिया, उसको मना कर दिया पेशेंट, ये सिर्फ हैंडल ऑन रहता है ऊपर वाले बटन से, वो लॉक हो जाता है सिस्टम, 3 एक्सिस फ्रंट वाले ऑफ हो जाते हैं, एक्सिस 1 2 3 4 5 6 अगर मैंने 1 2 3 कर दिया, अभी आप इस पे जाओगे, अब आपको ये वाला बिल्कुल लॉक है, ये लॉक है, पहले लॉक खुल रहा था ना, अभी बिल्कुल लॉक है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये लॉक रहेगा, लेकिन आपने नीचे वाला बटन दबाया जो ज़्यादातर यूज़ होगा, आपका पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप फ्री है, और सर पोस्टीरियर फोकस के अंदर आप जितना मर्जी एंगल बना सकते हो, आपको
दुनिया का कोई माइक्रोस्कोप में इतना एंगल नहीं मिलेगा साइज के अलावा, ठीक है। और उसके अलावा सर इसके अंदर सर अभी जैसे मैंने मल्टीविजन ऑन किया है, आपको एक बार देखिए इसके अंदर फोकस लाइट और आपको जूम की वैल्यू भी दिख रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू ठीक है सर, क्लोज हो गया सर। आपको ट्यूमर के लिए यूज करना है तो आप येलो वाला हो गया, अगर आपको आईसीजी वेस्कुलर के लिए करना है तो आप ये सेलेक्ट कर दीजिए। हेलो, ओटी में है, ओटी में ये डाई जो अपन इंजेक्ट करते हैं सीधा ड्यूरा अभी बता रहा हूँ हैं ऊपर है ओटी में। ब्लू लाइट आगे दीजिए। आईआर के लिए तीन स्टेप है, अगर आप मान लो क्लिपिंग करते हो एनिमिज्म वगैरह के लिए तो आपको देखना है, फ्लो देखना है, तो आपने एक बार दबाया आपका आईआर सेटअप स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो मैं आपको एक दोबारा दूंगा, इसका फोकस आप रखिए 350 के आसपास, ठीक है। और जूम रखिए 3.5x। लाइट रखिए 50 के आसपास, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया आपका स्क्रीन आ गया सर, ठीक है। पहले क्लिक में आपने आईआर मोड को ओके किया, आपने उसी बटन को दोबारा दबाया, जब आपको फ्लो देखना है यानी क्लिपिंग करने के बाद, तो आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखेगी और आपको फ्लो व्हाइट कलर में दिखेगा, तो ये आपको फ्लो दिखेगी, ये आपकी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और आपने तीसरी बार प्रेस किया तो आप उस रिकॉर्डिंग को आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको फ्लो दिख रहा है, ठीक है। और अगर देखो ये आपको ये जो हमने रिकॉर्ड किया है आपको दिखेगा, तो बेसिकली आप सर्जरी से उठ के आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने क्लिपिंग सही की है नहीं की। उसके अलावा आपने जब इसको लॉन्ग प्रेस किया 3 सेकंड के लिए, तो येलो के केस में एक बार दबाओगे लाइट चेंज हो जाएगी, बट आपको चेंज कहाँ से करना है, सारे फीचर्स है इसमें, जैसे हमारे मोबाइल में मेन्यू होता है तो स्क्रीन पे ये कॉन्फिग के अंदर है सारे फीचर, तो आप फ्लोरोसेंस में गए येलो में तो क्या एक बटन पे ब्लू लाइट आ जाएगी। आईआर में क्या है, पहला एक स्टेप में आप उसको आईआर को सेटअप करोगे, सेटअप के लिए आपकी सेटिंग्स होनी चाहिए 350 3.5x, ठीक है। दूसरे सेटअप में आपने सेटअप कर लिया, अब आप किसी अपने मतलब टेक्नीशियन को बोलोगे डाई इंजेक्ट करने के लिए, जैसे उन्होंने डाई इंजेक्ट की इसका असर ना एकदम से इमीडिएट आता है, तो आपने दूसरी बार क्लिक किया आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी बार क्लिक किया वो रिकॉर्डिंग जो आपने 10 सेकंड तक आपने देखी है रिकॉर्डिंग, उसको आप प्ले वो यहाँ पे प्ले होनी शुरू हो जाएगी। तो अब उसकी सेटिंग यहाँ पे होती है कि आप कितनी बार चाहते हो प्ले होना है, एक होता है कि आपने एक बार ही प्ले हुआ आपको नहीं दिखा, तो वो आप सेटिंग कर सकते हो कि 2 बार प्ले हो 3 बार प्ले हो, वो यहाँ पे सेटिंग करें। ये नंबर ऑफ लॉन्ग प्ले है, ठीक है। इसमें शॉर्ट रिप्ले का मतलब ये होता है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये पहले ना ट्रेलर जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, ये ट्रेलर प्ले रहता है 8 सेकंड का वो होगा, तो बेसिकली ये वीडियो नंबर ऑफ लॉन्ग रिप्ले से कि 5 सेलेक्टेड है, तो जो आपने रिकॉर्ड किया ना वो 5 बार प्ले, 1 2 3 4 5, ठीक है। नॉर्मली आप 3-5 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, ये नॉर्मली इतने फोन दिख जाए, ठीक है। उसके अलावा सर जो मेन जो चीज़ है सबसे ज़्यादा, एक इसके अंदर सर 300 वाट का बल्ब है, ठीक है। समटाइम्स आप मिनिमम डिस्टेंस पे काम कर रहे हो तो टिश्यू बर्न के चांसेस होते हैं, तो ये सबसे सेफ्टी फीचर है फोकस लाइट। तो इसके अंदर क्या है, अगर सपोज मेरा डिस्टेंस मैं इतने काम कर रहा हूँ ना, तो अगर मेरे को लाइट इंक्रीज करनी है तो आप देखो इस डिस्टेंस के लिए माइक्रोस्कोप के हिसाब से 76% लाइट होनी चाहिए, 100 पे जाएगा ही नहीं सेफ्टी फीचर, क्योंकि 100 पे जाएगा तो टिश्यू बर्न का चांसेस, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा यहाँ तो वो चला जाएगा। तो बेसिकली ये फीचर जैसे आप ऑन करोगे बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा, और आप इसको मतलब हमेशा ऑन ही रखिएगा, ठीक है। और सर अगर आपको कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले लेना है तो आप डिस्प्ले भी ले सकते हो, जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो आपकी आप पैड फाइल्स में स्टोर होगी, ये जैसे हमने आज 15 तारीख में जो वीडियो क्लिप्स बनाई है ये आपकी वीडियो क्लिप्स बनेंगी, और इसको आप अपने हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर भी कर सकते हो, मैं इनको सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी सर आप क्योंकि थोड़ा सा यूज़ करेंगे चीज़ों को तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी,
आपके पास मेरा नंबर है सर, आपका जूम हो गया, ये एक्स वाई हो गया, ये आप अपने हिसाब से कॉन्फिगर कर सकते हैं। अगर सर यहाँ पे मतलब सेकंड सर्जन है तो मैं इनके नाम से भी प्रोफाइल बना सकता हूँ। तो जब आप यहाँ पे यूजर में जाके अपनी प्रोफाइल जो भी सिलेक्ट करके उनके हिसाब से सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। और ये जो चीज़ है असिस्टेंट्स को, आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि आपने बिट चेंज किए। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ऑटो बैलेंसिंग ये तो हर बार ही करना ही होगा, जरूरी नहीं है सर, हर बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेट एक्सचेंज कर रहे हो या महीने में एक आधी बार कर लो, कर सकते हो। प्लीज मेक श्योर सर्जिकल माइक्रोफोन पोजीशन, मतलब पीछे पेशेंट वगैरह कोई नहीं होना चाहिए, ओके। अब जैसे मैं माइक्रोस्कोप को मूव करूंगा ना, ये बॉल मूव हो रही है, अब मेरे को इस बॉल को स्पॉट में लेके आना, आपके सारे पिक्चर्स हाईलाइट होंगे, ठीक है। बस प्लीज ये ध्यान रखें कि ये कहीं पे लगे ना बोले, तो जैसे यहाँ पे लग रहा है ना, तो मतलब पूरी उसके एक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया था, और अगर इसको ऑटो बैलेंस करना है तो ये जो भी आपने वेट इधर उधर किया होगा एडजस्ट, वो अपने एडजस्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी बैलेंसिंग है, ये आपको रोज करने की जरूरत नहीं है, इनकेस आप महीने में एक आधी बार परफॉर्म कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको एडिट कर सकते हो, यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हो, आपको कोई कमेंट देने, आप कमेंट दे सकते हो, कीबोर्ड डाल सकते हो, कीबोर्ड कीबोर्ड का ये प्रेस करोगे अच्छा अच्छा मोबाइल है अच्छा टच है पूरा, ठीक है सर। बाकी सर थोड़ा सा आप यूज करोगे थोड़ा सा और फैमिलियर होंगे, अच्छा ये वाला सर, तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है सर। सबसे मेन चीज सर, सबसे मेन चीज जैसे ये टिल्टेबल हो जाता है ना, इसके लिए लॉक है, इस पर्टिकुलर किसी एंगल में देखना है तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो तुमने वो वाला बता दिया था, कौन सा सर पीछे वाली तीन खुल रही है अब, ये देखो ये बिल्कुल लॉक है। मैं यहाँ पे सेटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है सर, समटाइम जैसे आपकी सर्जरी खत्म हो गई या आपको माइक्रोस्कोप ऊपर नीचे करना है, आप चाहते हो कि माइक्रोस्कोप आगे पीछे ना, ऊपर नीचे हो, तो आपने ऊपर वाला दबाया, आपने माइक्रोस्कोप ऊपर कर दिया, ठीक है। सर्जन अपने डायोप्टर सेटिंग करता है, मान लो मेरा नंबर है, मैंने -3 सेट कर दिया, मैं यहाँ पे सर्जरी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए अब ये जीरो बन गया, ठीक है, मेरे लिए जीरो बन गया, असिस्टेंट सर्जन के लिए जीरो नहीं बना। असिस्टेंट सर्जन कंप्लेंट करेगा कि मुझे फोकस नहीं दिख रहा, क्योंकि पैलर ऑप्टिक्स है। तो बेसिकली आप जैसे मेरी आंखों का नंबर है, मैंने चश्मा लगाया, जीरो हो गया नंबर, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड इफ यू आर यूजिंग स्पेक्स, आप इसको हमेशा जीरो जीरो पर रखें, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप जीरो जीरो पर नहीं रखते हो, आप स्पेक्स से कंफर्टेबल नहीं हो, आप मान लो ये क्योंकि अब आपने माइक्रोस्कोप को यहाँ से जीरो बनाया, आपने माइक्रोस्कोप को यहाँ से जीरो बनाया, तो अब ये तरह मेरे लिए चश्मे का काम करेगा, तो मेरे को तो अंदर बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन हो सकता है साइड वाले को जीरो रखे, तो पहले सब कुछ कर मान ली स्पेक्स लगे हुए जीरो पे रखे हैं, आपको कंफर्टेबल बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिखेगा सर। जैसे अभी मेरे को ठीक है, सेटिंग ऐसी कर दूंगा आपके हिसाब से, तो आप ये मैंने आपको बता दिया फोकस जूम और मैक्सिमम लाइट, ये आप यहाँ पे स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि लाइट स्पीड 50% होनी चाहिए, स्पीड है मेन, सबसे मेन फीचर है सर जो आपको ENT में है, सबसे ज़्यादा काम आएगा सारे फीचरों के लिए। इसके अंदर है सर 300 वॉट्स इनो, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये एक फीचर बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है फोकस लाइट पर, इसका मतलब ये है कि अगर आप जितने डिस्टेंस पे काम कर रहे हो लाइट उस हिसाब से एडजस्ट हो लाइट। अब जैसे मान लो ये 260 का वर्किंग डिस्टेंस है, तो जितना मशीन को लगता है ना कि इतने वर्किंग डिस्टेंस में कितनी लाइट होनी चाहिए, उसे बढ़ेगी नहीं। जैसे कि अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, 41 से ऊपर नहीं जा रही है, अच्छा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो सर इसमें टिश्यू बर्न होने के चांसेस है, गरम हाथ, ठीक है। तो ये आप न्यूरो सर्जरी में सर लॉक कर सकते हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट करोगे आपका टाइमर स्टार्ट होगा, इसी को दोबारा दबाऊंगा स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ से रिकॉर्डिंग कहाँ से, अभी बताता हूँ सर, अभी बताता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग का हो गया सर, आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया, रिकॉर्डिंग सेफ हो गई, ठीक है। अभी बताऊंगा सेफ कहाँ पे, अगर मैं इस वेट को इधर लगा दूंगा या इसको निकाल दूंगा तो आप जैसी पटन तो पकड़ मैं बढ़ने से इधर निकल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली दोबारा कर सकते हैं, आपने ऑटो बैलेंस का फीचर दबाया,
किसी पेशेंट के ऊपर नहीं करना है, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है, ये मेरी बॉल है, अब ये मेरा माइक्रोस्कोप है, जैसे ही मैंने इस बटन को दबाया वो मैं तो माइक्रोस्कोप यहाँ पे देखो टच होता है, तो बेसिकली आपको ये देखना कि कहीं टच नहीं होना चाहिए, आपने जैसे तो छोड़ दिया यहाँ पे, सर, इमेज मतलब क्या है? जैसे आप कॉन्फिग पे गए, स्टैंड पे गए, ये आपका फुट आ गया, मतलब ये हैंड ग्रिप्स आ गया लेफ्ट और राइट। अब मेरे को इसको मान लो ये आपका लेफ्ट हो गया, अब मैंने यहाँ पे बी पे फ्लोरोसेंस सेलेक्ट कर रखा है जो न्यूरोसर्जरी में यूज, ए पे रिकॉर्डिंग है, अगर मेरे को चेंज करना है मैंने ए पे कुछ भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को फोटो करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, ऑटो फोकस करना है जो अभी आपको बताया था ऑटो फोकस, तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ राइट में, जैसे मैंने राइट में आप कह रहे थे ना कि ऑटो फोकस है जैसे बी वाला, इस पे फोटो है, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी सिलेक्ट करूँगा तो वो हो जाएगा, मैं अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरा कहने का मतलब है जो ये चार बटन कस्टमाइज करना है जो बनाना ऐसे ही सर, ये फुट पैडल है जो से या तो पीछे वाली तीन होंगी या आगे वाली तीन होंगी, आप यहाँ से सेटिंग सेलेक्ट करो, अगर मैं आगे वाली करूँगा ये चार पाँच छः करूँगा तो आप ये देखिए पीछे जा रहा है, आगे पीछे ये देखो पीछे वाला लॉक है, ठीक है सर। इस माइक्रोस्कोप में एक टाइम पे मेन सर्जन एक टाइम पे दो लोग देख सकते हैं, दो या ये या ये या ये या ये, तीन ही देख पाएंगे, तीनों एक साथ कहीं पे भी नहीं होता सर, लाइट लॉस होती है, ठीक है, इसके लिए उसकी पेशेंट फाइल्स है, ये वीडियो क्लिप्स, वीडियो और इमेज देखने के लिए कोई भी आपने जो ट्रांसफर करना है, जी जी, आपने मान लो ये सेलेक्ट किया, दो सेलेक्ट कर ली, सबसे पहले मार्क जी, उसके बाद सेव, सेव में जो आपने पेन ड्राइव या लगाओगे उसका मेमोरी स्पेस आ जाएगा 2 GB 3 GB, और ये कॉपी का ऑप्शन आइलैंड है जो कॉपी करोगे ट्रांसफर में जो रखी हुई 33.8 GB की है ना, नहीं नहीं सर ये उसका साइज है जो आपने फोटो सेलेक्ट की हुई है, उसका साइज 33 MB है, लेकिन जो आप पेन ड्राइव लगाओगे मान लो 64 GB की लगाओगे तो यहाँ पे 64 GB बना आ जाएगा, कितने तक इसको ये करके यहाँ से डिलीट कर दो, डिलीट हो जाए।